ब्रो, लड़की कितना भी गंदा खेले ना, अगर देखने में सुंदर है तो व्यूज सारे आते ही है। झाटू यूट्यूबर्स उसको रेड भी करेंगे, ठीक है? लड़की के पास एक चीज होता है, सब उधर ही जाके मरवाएंगे। एक लड़की है, सैवेज गर्ल शायद नाम है, उसको इतना बंदा रेड कर चुका है, इतना यूट्यूबर उसको रेड किया है, मतलब मेरे को लगता है कि उसका YouTube रेट से ही चल रहा है। अरे बस 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 भाई, ज्यादा नहीं। अगर और मैं तुम्हें इसके शब्द सुनाऊंगा ना तो भाई सही में तुम्हारे कानों तले हो सकता है खून निकल आए। बट गाइस, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या इसने जो बोला उसकी बातों में सच्चाई है? और अगर है तो भाई बहुत ही दुख भरी वाली बात है, लेकिन अगर नहीं है ना भाई तो सही में गाइज इसे गलत साबित करो। मतलब गाइज, ये बंदा मुझे रैंडम मिला था, मतलब मैं वर्ल्ड पे खेल रहा था और रैंडम चला गया, और ये बंदा लगभग 6 घंटे से स्ट्रीम कर रहा था और डेली करता भी है। तो भाई सही में बंदा मेहनत तो काफ़ी कर रहा है, बट तुम्हें पता है मतलब तुम इसकी हालत देख सकते हो कितना डेस्परेट है बंदा, मतलब उसे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो गाइज सही में गाइज, अगर ये बंदे की बात को तुम्हें गलत साबित करना है कि आप एज अ ऑडियंस सपोर्ट करते हो सब बंदों को, तो भाई सही में डिस्क्रिप्शन में इस बंदे का लिंक है, तो भाई जाओ उसके चैनल पे और उसे बोलो भाई हम आपको सपोर्ट करते हैं और करेंगे। और गाइस लास्ट में लव फ्रॉम बीटी जरूर लिख देना। अभी गाइस अभी इस गेम प्ले में ना भाई सही में यार, अब तक मैंने इसे नहीं बताया कि मैं कोई यूट्यूबर हूं या फिर क्या हूं, वैसे भी मैं अजीब कोई कपड़े पहन के तो वैसे ही आ गया। तो गाइस यहां पे अभी सस्पेंस रहने वाला है, लेकिन हां लास्ट में अगर हम चिकन डिनर कर लेते हैं तो मैं उसे बताऊंगा जरूर। फिलहाल उससे पहले बात करें अभी की, तो भाई साहब हमको जरा जॉर्ज पूल एंड गाइस शॉटगन है उसके पास। अरे नाइस रे, आ जाओ सारे इधर बैठ के, आ जाओ अंदर आ जाओ। हेलो भाई, हेलो भाई लोग, गेम छो। हेलो, आ रहा है बहुत लो है वो, एक पीछे भी आ रहा है। अरे मारो, सपोर्ट करो उसको। ओह गाइस, जैसे जैसे यहाँ तो सरवाइव कर लेते हैं हम लोग, और गाइस यहाँ पे हमारा बदले में एक टीममेट चाहिए जाता है। बट नेवर माइंड, अभी हम जिंदा थे तो भैया अभी गेम निकल सकती थी। फिलहाल तो यहाँ पे जैसे मैंने हील बिल्ड करा और मेरा टीममेट एक रिवाइव हो जाए, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। और जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ भैया, हमें यहाँ पे मिल जाता है ड्रॉप। अब ये पता नहीं किसने मंगाया, लेकिन जो भी था गाइस फ्री की चीज हम कहाँ ही छोड़ने वाले थे। तो हमने फटाक से ड्रॉप को लूटा और इतने में मैं देखता हूँ कि राइट साइड में एक ड्रॉप और आ रखा है। तो भाई साहब जल्दी से हील अप करते हैं और चलते आगे। वहाँ भी फ्लेयर फायर, यहाँ भी है फ्लेयर। Watch out! अब यार कितने प्रतिशत चांस है जो बंदा आगे शॉटगन चला रहा है वो बॉट है, ठीक है? अगर तुमने बॉट सोचा है मन में तो गाइस ठीक है, अगर रियल सोचा है तो भी ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा वो तुम खुद देखो। चलो ये था रियल बंदा, फिलहाल जिनने बॉट छोड़ा था वो लोग हार चुके हैं, ठीक है? नो चीटिंग। तो इसी के साथ गाइस जॉर्ज पूल का सफाया हो चुका है और यहाँ से टूर टूर के हम चल पड़ते हैं वापस से और बंदों की तलाश में। और जैसे ही आता हूँ मैं रोजो की तरफ ना भाई साहब, यहाँ तो बड़ी खतरनाक जंग छिड़ने वाली है। और साथ ही साथ ना गाइस जैसे ही मैं आया इस तरफ भाई, रुक दे ब्रो, राइट में बगी। अगर उस बंदे ने जो काले कपड़े पहन रखे थे इसके चलते मुझे पता ही नहीं चल पाया कि वो बंदा बगी में बैठा है, और वैसे ही में गलत स्कैम होगा। फिलहाल तो गाइस मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पॉट कर रहा था कि बंदा दिख जाए, और भाई ये क्या ही गंदा खाया, मतलब सही में तो इसी बात पे डायरेक्ट कुछ तो बिल्कुल जायज था। ये
गया ऊपर ही है, दिखा दिखा दिखा। ऊपर नेट कर रहा हूँ, एक राइट से मेरे को मार यार। पे भैया ये बंदे के बारे में क्या ही कहूँ, मतलब सही में बंदा घूम फिर के आया और हमारे टीममेट को पूरा ही खा गया। बट कोई बात नहीं, होता है होता है, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ हमें खोना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी टीममेट को खो के गई, हम चलेंगे वापस से और बंदों की तलाश करने के लिए। और गई जोन में बंदे काफ़ी लिमिटेड बचे थे, बट कोई नहीं, गई यहाँ पे हम चले आते हैं वापस और बंदों की तलाश करते करते। और जैसे ही मैं उस तरफ आता हूँ भैया, सामने वाली रिज में मेरे को कुछ रेंडर हुआ था। अब आई डोंट नो बंदे हैं जो भी है, लेकिन भाई साहब गुरुजा तो क्या ही कपरी थी भाई सही में। और बट जुबिता गाइस एट द एंड इस वाले बंदे को भर दिया है और लेफ्ट वाले बंदे को मेरे टीममेट ने। फिलहाल जुबिता गाइस जोन बचा सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, लेकिन यहाँ पे एक स्कैम होने वाला है। अब वो ये गाइस हम गाड़ी लेके बंदों की तलाश कर रहे होते हैं, मतलब वो उस बंदे की तलाश कर रहे होते हैं, तभी मेरे को पीछे की तरफ बंदा स्पॉट हो चुका था, तो मैंने टीममेट को मार्क भी कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक गलती स्कैम होने वाला, वो ये मुझे लगा कहीं ये बंदा AWM से उसके फटकार ना फटते, तो मैं जो उस पर सीधा सीधा एम करता हूँ और ऐसे वो पीक देता है ना भाई साहब, गलती से मैं फायर कर देता हूँ, जबकि वो बंदा जो है करता है जो पीछे है। अब यार मैं तुम्हें सही बताऊं तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं उस बंदे को मारूं, लेकिन भाई सही में वो गलती से स्प्रे चला गया और सारी की सारी गोलियां जो उसके हेड पे कनेक्ट हुई, जिसके चलते बंदा बहुत जल्दी नॉक हो गया। बट भाई सही में भाई ने जो एक बात बोली ना, वो बात मेरे दिल पे लगी, मतलब सही में यार। एक सब्सक्राइबर चला गया मेरे तेरी वजह से, एक सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर। अब यार इसका एक सब्सक्राइबर गया है, तो भाई सही में इसलिए मैंने तुमसे बोला कि भाई साहब जाओ उसे थोड़ा सा मोटिवेशन दो, वरना बंदा कहीं हिम्मत ही ना हार जाए। मेटल ब्रो कोई एक्स्ट्रा फोन है आपके पास? हाँ भाई। एक चैनल सर्च करोगे जरा? एक मिनट कर रहा। बीटी गेमर, यही नाम से बीटी गेमर, बीटी गेमर, बीटी गेमर। कितने सब्सक्राइबर है ब्रो? चेक करो। 57.9K। हाँ जी। अरे भाई 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 भाई, एक नंबर भाई। चलो भाई आज तो तुम्हारा मैंने एक सब्सक्राइबर खुला है, तो भाई कल देखते हैं भाई तुम्हारे पास कितने सब्सक्राइबर आते हैं। अरे भाई थैंक यू सो मच यार। ओ यार फिलहाल गाइस इसका मोटिवेशन बढ़ा ही गाइस, हम चले आते हैं वापस से दूसरे गेम प्ले की तरफ। और इस वाले गेम प्ले में ना भाई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, हमने क्या स्ट्रेटजी लगा के, मतलब मैंने, हमने नहीं, मेरे टीममेट को तुम गिनना भी मत, मैंने क्या स्ट्रेटजी लगा के बंदों को भरा है। फिलहाल तो गाइस मैं यहाँ अपार्टमेंट कूदा था और मेरे को तुरंत ही गन भी मिल जाती है, और एक बंदा जो है मेन बिल्डिंग में था, तो मैं चल पड़ता हूँ उसकी तरफ सीधा रश करने के लिए। और गाइस ये बंदा बिल्कुल साइलेंटली बैठ चुका है, लेकिन मेरे को फुटस्टेप इसका आया है कि बंदा जो सामने की तरफ है। अब एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पा रहा था किस वाले फ्लोर पे है, तो मैं जो यहाँ पे थोड़ा चक्कर वक्कर लगाता हूँ, बट फाइनली मुझे जो समझ में आया था कि बंदा जो है ना यहाँ इस कॉर्नर वाले कमरे में है। तो देखो मैं ऐसे क्या ही दिमाग लगा के मारने जा रहा हूँ। हाँ यार इस दिमाग लगाने में थोड़ी सी देरी हो गई और इसके चलते हमारे दो टीममेट शहीद हो चुके हैं, लेकिन जो भी था इस फाइनली मैंने पुश करा। इस वाले बंदे पे और पूरा ही फ्रिज डाल दिया। फिलहाल जो भी था यहाँ पे जैसे इसकी लूट वूट करता हूँ, मेरे को एक हल्के के फुट साउंड आते हैं कि कोई बंदा जो मेरी तरफ पुश कर रहा है, और मुझे लगा ऐसे बॉट होगा तो मैं इसमें डायरेक्ट पुश कर देता हूँ, लेकिन भाई साहब ये रियल प्लेयर था और उसके बचे कुछ बंदे भी आसपास हैं। भाई साहब क्या ही हिल बची है मेरी, बढ़ गई। यहाँ पे मैंने दो बंदों को नॉक तो कर दिया, लेकिन तुम यहाँ पे एक चीज़ देखो जरा कि मेरा एक किल ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे कहीं जैसे मैं अंदर की तरफ जाता हूँ, इनका जो एक और टीममेट होता है ना कहीं वो था सामने वाली बिल्डिंग में, तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। और जैसे उसने अपने आप को एक्सपोज करा, मैंने उसे जो है भर दिया, बढ़ गए। यहाँ पे तुम एक चीज देख लो, एक किल मेरा ऑलरेडी है, दो बंदे मैंने नॉक करे, सॉरी तीन बंदे मैंने नॉक कर दिए है, तो भाई उस हिसाब से मेरे पे चार किल आने चाहिए, बढ़ गए। यहाँ पे काफी देर वेट करने के बाद ना मुझे मेरे एक भी किल नहीं मिलते हैं, मतलब ये बिल्डिंग वाला किल तो मिल जाता है, लेकिन जो बचे कुचे खिलते ना वो नहीं मिल पाते, मतलब यानी कि साफ है दो किल मेरी चोरी हो चुके हैं। बट हम वसूली जरूर करेंगे, अब कैसे करेंगे वो तुम खुद ही देखो। यहाँ मैं ढूंढ रहा होता हूँ बंदे, और तभी
भाई ये एक अलग ही स्क्वाड आ चुकी थी अब। यहाँ पे एक और स्क्वाड, मतलब मेरे को बेसिकली लगा कि यहाँ पे उनके टीममेट ने जो उनके बचे कुछ बंदों को रिवाइव दे दिया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बंदे कंफर्म हो चुके थे और एक अलग ही स्क्वाड आ चुकी थी। अब गाइस यहाँ पे इस स्क्वाड को भरने के बाद ना, यहाँ पे देखो जो कुछ बंदे थे ना गाइस, वो मुझे इस वाली बिल्डिंग से ही फुटस्टेप दे रहे थे, तो मैं जो थोड़ा सा वहाँ पे उनको स्पॉट करने के लिए चला आता हूँ ऊपर से कूद काट के। अब गाइस जैसे यहाँ पे आऊंगा ना, अब तक बंदों की एग्जैक्टली पोजीशन तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है बंदे हैं इस तरफ। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा वेट कर रहा होता हूँ और बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तभी भाई साहब ये बंदा देखो क्या हरकत करने जा रहा है। ओ यार मैंने आप इस बंदे को नॉक कर दिया, और चाहता ना मैं तो भैया इस बंदे को तुरंत ही फिनिश भी कर देता नेड करके, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा, बिकॉज मुझे लगा शायद उसके बंदे जो उसे रिवाइव देने आएंगे तो मैं उसे इजी भर दूंगा। बट गाइस यहां पे सारा का सारा प्लान चौपट होने वाला था, बिकॉज मेरा पूरा का पूरा ध्यान चला गया उस बगी वाले बंदों पे, और इतने में ये बंदा जो है कवर में चला जाता है। और भाई सही में ये बंदा तो रिवाइव हो चुका है, लेकिन जो भी था जो बगी वाला बंदा था ना, वो ऊपर में फंस जाता है, उसे मैं जो भर देता हूँ। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे ये बंदे को रिवाइव तो मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर में तुम देखो यार, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि बंदे जोन में तो आएंगे आएंगे, निकलेंगे, लेकिन तभी इन्हें लेने के लिए इनका टीममेट आया है जोन के बाहर से, जोन के अंदर से बाहर आया है। बढ़ चुकी था गाइस यहाँ पे, देखो वो बंदा इन्हें बुला रहा है हॉर्न दबा दबा के। भाई यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कब ये बंदे पूरा आए गाड़ी में बैठे। और मैं उन्हें उतार दूं तो ऐसे ही, अबे दो बंदों को उतार दिया था, लेकिन जो बंदा हमने स्टार्टिंग में नॉक करा था ना, वो बंदे का नाम तो ये नहीं था, कुछ और ही था। तो मुझे पता था इनका एक बंदा तो अलाइव और हो गई होगा, तो मैं जो यहाँ पे चलाता हूँ इस तरफ, देखो यहाँ पे स्मोक स्मोक हो रखा है, लेकिन वो लास्ट वाला बंदा हमें यहाँ पे नहीं दिखता। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं जो फाइट डिसाइड करता हूँ जोन में अंदर जाने के बारे में, और जैसे जोन में दाखिल होता हूँ ना भाई साहब, वो बंदा देखो क्या ही रोटेशन लेके आ जाता है सामने की तरफ। वो ऐसा, बट एट दी एंड हमने ऐसा इस बंदे को भी जो कंफर्म कर दिया है, और इसी के साथ गाइस यहाँ से फाइनली गाइस भैया जो है अपार्टमेंट वाली जेल से हमें छुटकारा मिलेगा। और गाइस यहाँ पे तुम देख लो 11 किल हमने क्या ही खतरनाक तरीके से कलेक्ट करे हैं। बट गाइस यहाँ पे अपनी ये जो है नई नवेली गाड़ी को पतवा पतू के हम चल पड़ते वापस और बंदों की तलाश करने के लिए। अब यार हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े थे जहाँ पे काफी सारे बंदे हो सकते थे, हमने गौर नहीं फरमाया, लेकिन अब यार यहाँ पे इन दोनों बंदों को तो भर दिया, लेकिन सेम टाइम पे मैं ये देखता हूँ कि सामने वाले गोदाम में खड़ा है भैया एक BRTM खड़ी है, मतलब जनाना है कि वो मर्दाना जो भी है, लेकिन मुझे उससे इतना समय में आ चुका था कि गाइज वहां बंदे हो सकते हैं। तो मैं जो अपने टीममेट से बोलता हूँ जल्दी बैठ जा, निकलना पड़ेगा हमें। भाई गलत स्कैम, मतलब टीममेट को नॉक करके पूरा ही फिनिश कर दिया और गाड़ी को तो जो है पूरा फाड़ दिया है। और मेरे टीममेट को अब तक बंदे ही स्पॉट नहीं होते कि कहाँ से गोली गोली चली थी। चलो कोई बात नहीं, होता होता है, कभी कभी तुम सस्ते नशे कर लो, गांजा वांजा फूक लो तो ऐसा होता है, लेकिन जो भी था यहाँ से मुझे निकलना था बिकॉज मैं आउट ऑफ जोन भी होने ही वाला था और बहुत ही गंदी पोजिशन पर भी था। लेकिन यार पैदल पैदल कैसे जाया जाए, तो मैं इस तरफ देखता हूँ एक बगी खड़ी है, तो मैंने सोचा शायद मैं उस बगी तक पहुँच सकता हूँ। बट गाइस
भाई बंदे बहुत ही धांसू स्प्रे दे रहे हैं, और गाइस सही मैं यहाँ पे कहीं गाड़ी लेने के चक्कर में मैं जाऊँ ऊपर में और मैं जो फेल जाऊँ, तो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो फिलहाल जो भी था गाइस यार जल्दी से यहाँ पे पट्टियाँ पट्टियाँ लपेटी मेरे पास वही बची थी मेरे पास, और जल्दी से एक दो स्मोक कर दिए, और उसके बाद गाइस हल्की हल्की रिस्क को पकड़ते हुए मैं जो ऊपर की तरफ जाने वाला था, अब यार मैं जो ऊपर की तरफ तो चला आता हूँ लेकिन इन बंदों को लगता है कि शायद से मैं यहाँ से भाग चुका हूँ। बट गाइस तुम्हें पता है भैया हम तो किल के भूखे हमेशा ही रहते हैं, तो हम कहाँ ही भगने वाले थे, और यहाँ पे ये बंदे देखो गलती कर बैठते हैं, ये चले आते हैं यहाँ पे क्रेटो को लूटने के लिए। हाँ यार देखो मैंने एक अपना किल जो कंफर्म कर दिया, और मैं किल का लालची बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एक किल से संतुष्ट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे किल कंफर्म करने के बाद मैं देखता हूँ जोन आ रही है, तो मैं हल्का जोन में बढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई साहब ये बंदा मेरे को स्पॉट कर लेता है, और गाइस अब जब इसने स्पॉट कर ही लिया है तो मैं दिमाग लगाता हूँ और मैं वापस हल्का सा पीछे होते हुए चल पड़ता हूँ वहीं पर जहाँ से कि मैंने इसके टीममेट को फिनिश करा था गाइस। और इतना दिमाग तो इसने भी नहीं लगाया होगा कि मैं जोन में वापस आऊंगा इसे मारने के लिए, मतलब भाई सही में गलत ही स्कैम हो गया इन बंदों के साथ। लेकिन हाँ इतना है मैंने दोनों ही बंदों को भर दिया और गाइस अपने टीममेट का बदला ले लिया है। बट गाइस साथ हम हो चुके थे आउट ऑफ जोन, तो अब जाना था जोन में, लेकिन मुझे पता था ब्रिज कैंप होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूँ। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ यहाँ पे एकदम से 1000 IQ मैंने लगा लिया है, तो यार मुझे पता है बंदे होंगे जो होंगे भैया ब्रिज पे, ठीक है, तो मैं जो है राइट साइड से जाऊँगा और पहाड़ी टू पहाड़ी चढ़ के भैया इन बंदों को कैप्चर करके भर दूंगा इन्हें, बिकॉज तो बिल्कुल कॉर्नर पे जोन के, तो ये मेरा प्लान था। बट भाई मैं भूल चुका था भाई साहब कि हम तो सिर्फ 1000 IQ लगा रहे हैं, भैया यहाँ पे बैठे थे 1 lakh IQ वाले बंदे। और भाई सही में तुम यहाँ पे एक सीन देखो जरा, ये बंदा यहाँ पे अकेला लेटा, उसके बचे कुछ टीममेट भाई ब्रिज पे होते हैं, भाई किस्मत बिल्कुल ही खराब। और जब तक आज का गेम प्ले तुम्हें लगा कैसा वो तुम जरूर बताना कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा है तो भैया हिट दैट लाइक बटन।